हेलो राधे राधे दोस्तों, और आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि देखिए मैंने जन्माष्टमी कैसे मनाई, कैसे अपने लड्डू गोपाल को हमने प्रसन्न किया। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो देखिए हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, हमने उनको खीरे में बिठा दिया है, लेकिन उनको अभी ढका नहीं है। तो क्योंकि हमारे यहाँ खीरे से जन्म कराया जाता है, तो सबसे पहले हम उनको फूल चढ़ा देंगे और फिर उनको खीरे में इस तरह से बिठा देंगे कि वो बिल्कुल हमको दिखाई ना दें। और फिर अभी ये सुबह की तैयारी है जन्माष्टमी की, तो मैंने इस तरह से इनको बिठाया है और पूरा मैं ढक दूंगी फूलों से, और इनका चेहरा भी बिल्कुल दिखाई नहीं देगा आपको। और ये पत्ता है हम इनके चेहरे पे इस तरह से लगा देंगे, ये बिल्कुल चेहरा जो है बिल्कुल इनका दिखे ना, इस प्रकार से देखिए। और जन्माष्टमी पे सुबह हम लोग कतली बनाते हैं, कि जो कतली है मतलब मेवा पाक बनाते हैं। और हमारे यहाँ दो प्रकार की मेवा बनाई जाती है, कि एक तो मेवा बनाई जाती है और एक रामदाने की बनाई जाती है। देखिए भगवान को अगर आप छप्पन भोग नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको उनके भोग की तैयारी करें। तो ये मैंने थोड़ी सी डेकोरेट किया है, अभी थोड़ा सा डेकोरेशन रह भी गया है, पूरा डेकोरेशन भी आपको अभी हम दिखाएंगे। ये देखिए ये पूरा डेकोरेट मैंने किया था, और लगभग लगभग अब रात्रि का समय हो गया है, और रात्रि हो गई है तो अब रात की पूजा की स्टार्टिंग हो रही है। तो हमारे बाल गोपाल तो अभी बैठे हुए हैं, और ये देखिए मैंने कैसे सजाया है, आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और ये इनका झूला है, और ये हमारी कामधेनु जी हैं, और ये शंख है। शंख कुंभे में से आपने मेरी वीडियो में देखा कि शंख में चावल भरे रहते हैं, क्योंकि हम जब जन्म करते हैं ना तो शंख बजाते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से रख लिया है शंख जी को। और उसके बाद हम आगे की बताते हैं आपको। और लगभग 12 बज चुके हैं, मतलब 11:30 का समय हो रहा है, तो अब हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारे बाबा लड्डू गोपाल जी का जन्म होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी ड्रेस है और इनकी जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है वो मैं एक थाली में सारी रख लेती हूँ, और उसके बाद हम अपने भोग की तैयारी भी करनी है ऐसा, क्योंकि ऐसा है ना कि भोग जो होता है ना कुछ रह जाता है, तो इस वजह से मैं निकाल के 10 मिनट पहले ही सारी थाली सजा लेती हूँ। तो ये तो हमारी, तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी की, अपने माधव जी की सारी मतलब सजाने का सामान हमने उनको रख लिया है अलग। और देखिए अब इस उनके जन्म का समय हो गया है, बस 5 मिनट बाकी हैं, अब जन्म होने वाला है, तो हमने सारी तैयारी इस प्रकार से कर ली है। और तो हमारे लल्ला हमारे माधव जी अब जन्म लेने वाले हैं, हो रहा है धीरे धीरे, तो अब जन्म ले रहे हैं। और ये देखिए हमने उनका पत्ता वगैरह हटा दिया है, और उनको मैं खीरे से इस प्रकार से यहाँ पर निकाल लूँगी, और इस खीरे को मैं अलग रख दूँगी, और फिर मैं इनका स्नान कराऊँगी। देखिए आप स्नान दो प्रकार से करा सकती हैं, कि जैसे कि आप अलग अलग चीज़ से स्नान करा सकती हैं, घी से, चीनी से, शहद से, इस प्रकार से अभिषेक कर सकती हैं, या फिर आप पंचामृत बना के उसमें सारी चीज़ें मिलाकर भी आप कर सकती, क्योंकि मैं पंचामृत से करती हूँ, तो मैं पंचामृत में सारी चीज़ें मिला लेती हूँ, दूध दही और जो भी होता है सब उसमें मिला के, और मैं इनका स्नान कराती हूँ जन्माष्टमी पे। तो ये देखिए, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप पंचामृत स्नान कराएं तो उसमें तुलसी का पत्र ज़रूर डालें। तो हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं, अभिषेक हो चुका, उसके बाद आप शुद्ध गंगा जल से और आप उनका स्नान कराइए। अगर और मैंने इनका स्नान करा लिया है, और मैं इसको जैसे कि इस चरणामृत को मैं सबको बच्चों में दे देती हूँ, खुद भी पीती हूँ प्रसाद स्वरूप। तो अब हम इनका कर लेंगे श्रृंगार, हमारे बाल गोपाल जन्म ले चुके हैं और हम इनका श्रृंगार करेंगे। पहले हम इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, पोछ लेंगे,
और आप मनीमन ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी हम मनीमन करते रहिए और राधा रानी जी का नाम भी ज़रूर लेते रहिए कि राधा रानी और हमारे बाल गोपाल कृपा हम पर बनी रहे। तो ये देखिए, ये इनकी ड्रेस है और मैं इनको ये पहना दूँगी। और ये ड्रेस जो है बहुत सुंदर है, इसमें शायद भी मतलब आपके पास इतनी लुक नहीं जा पा रहा है ड्रेस का, लेकिन ड्रेस ओरिजिनल में देखते हैं तो बहुत खूबसूरत ड्रेस है और थोड़ी कॉस्टली भी है लेकिन बहुत सुंदर है। और मेरा क्या है, मैं जन्माष्टमी के टाइम पे कोई चीज़ नहीं ख़रीदती हूँ, मैं थोड़ा सा एक डेढ़ महीने पहले ही ख़रीद के रख लेती हूँ ड्रेस वगैरह, क्योंकि जन्माष्टमी के टाइम पे बहुत भीड़ होती है मार्केट में और सही से सामान भी नहीं देख पाते हैं इसलिए। तो ये देखिए, ये ड्रेस इनकी हो गई, पहन गई है। अब ये सारी ज्वेलरी भी मैं इनको पहना दूँगी और ये इनके कुंडल वगैरह मैं इनका श्रृंगार सारा कर दूंगी खूब अच्छे से। तो हमारे माधव जो हैं लगभग तैयार हो गए हैं, इनको मैंने पगड़ी भी लगा दी है और ये मोर पंख रह गया था वो भी मैं इनको लगा देती हूँ। वो इसको इसके बाद मैं इनको इनके झूले में बिठा देती हूँ और इसके बाद मैं इनको इनके झूले में बिठा दूँगी। और ये जो हैं और इनकी जो चड्डी थी ना ये पहनाते हैं, वो मैं भूल गई थी, फिर मैंने इनको चड्डी भी पहना दी है। और ये हमारे माधव जी जो हैं इस पे बैठ गए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बस मैंने इसमें शायद वीडियो में इतना लुक नहीं आ पा रहा है, इतना नहीं आ पा रहा है। और ये इनकी बांसुरी भी मैं इनको पकड़ा दूँगी और ये दोनों बांसुरी मैं इनको दे देती हूँ। एक बांसुरी जो है मैं मेरा बेटा ले आया था कि वो बहुत सुंदर लग रही थी, लंग की थी बांसुरी। और एक चांदी की बांसुरी है इनके पास, क्योंकि ये मैं पिछले साल लाई थी इनके जन्माष्टमी पे। और ये हमारी हैं कामधेनु जी। और अब हम क्या करेंगे, इनका भोग लगा लेंगे, पूजा की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी भोग की थाली तैयार करेंगे। ये देखिए, ये मैंने थाली पहले से लगा ली थी। और ये केले हैं, ये मैं इनको अलग से रख देती हूँ इस प्रकार से। भोग की थाली में एक तो धनिया है, मतलब आटे की बनी हुई, और ये आप खुद ही देख लीजिए, कुटू के आटे की पूड़ी हैं और गेहूं के आटे की पूड़ी हैं, पकौड़ी हैं, दही है और मेवा का सामान है, मक्खन है, मिश्री है और आप देख लीजिए बहुत सारा सामान है, फल हैं, फ्रूट हैं। तो ये मैं इस तरीके से इनको भोग लगा देती हूँ। चरणामृत भी है, चरणामृत को मैं पलट लेती हूँ, चरणामृत भूल गई थी रखना, कोई ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती तो कुछ ना कुछ रह जाता है, इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ। तो ये चरण आओ मैं इनको भोग लगा दिया है कि हे मेरे भगवान जी, मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे महाराज जी, आप इसको ग्रहण कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। और अब मैं ये पंचमुखी दिया है ये मैं जलाऊँगी और ये जो दिया एक पास में रखा है इससे मैं इनकी आरती कर लूँगी। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो जन्माष्टमी की, अगर हमारी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और जब आप आरती करें तो उससे पहले आप विष्णु चालीसा या कोई भी मंत्र या किसी भी इस तरीके का जाप कर लीजिए, उसके बाद आप इनको आरती कर लीजिए। तो ये मैं दिया जला दे, इसके पास में जो दिया रखा है इसमें मैं कपूर जलाती हूँ और ये हमारा दिया कंप्लीट हो गया है। अब मैं करूँगी आरती और जो हमारे पास में मंदिर है वो और भगवान जी बैठे हैं उनके सामने भी हम दिया प्रज्वलित ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए भगवान लड्डू गोपाल जी जो हैं उनका जन्मदिन सब मनाते हैं, देवी देवता। तो आज के लिए बस इतना ही, बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, राधे राधे।